मैडम ये देखो ये वाला देखो मैडम 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 सुनो मैडम अरे ऐसे क्यों हैरान हो रहे हो जैसे राजीव चौक मेट्रो पे सीट मिल गई हो। लहंगे ही तो बेच रहा हूँ मेरे भाई। मेरा नाम है नलवा और रेड एफएम पे चल रहा है डेली जॉब एक्सचेंज और आज हमारी जॉब एक्सचेंज हुई है। हाय मैं अमित रामकिंग साड़ी से। क्या करते हो ऐसे लहंगे बेचते हो? मैं दो बातें प्यार से बोलता हूँ, प्यार की बातें करता हूँ कस्टमर से। प्यार की बातें करते कहीं है? अमित भाई जॉब एक्सचेंज से कुछ ज्यादा ही खुश थे, पर मेरी एक बात समझ नहीं आई। जब मैं ऑफिस से निकला तो सरदर्द की गोली का पत्ता मेरे हाथ में अमित भाई ने क्यों रखा? और जब मैंने पूछा क्यों दे रहे हो भाई, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, मैंने वो दवाई अपनी जेब में लगाई और पहुंच गया चांदनी चौक रामकिशन साड़ी स्टोर में और क्लाइंट्स को जो है दिखाने शुरू कर दिए लहंगे ही लहंगे। लेकिन लग रहा है मुझे क्लाइंट को लहंगे नहीं चाहिए थे, वो ढूंढ रहे थे एक टांग की चिड़िया। कहां से दे दूं बताओ? तो फिर जो करीना ने पहना वो दिखा दूं। ये बहुत पुराना है भैया, ये बहुत आउट ऑफ फैशन है, पड़ेगा थोड़ा कलर देख के अच्छा। भाई कलर दे यार। मेरे यहाँ दर्द खत्म नहीं हो रहे और अमित भैया रेड एफएम के लिसनर्स के साथ मौज ही मौज काट रहे थे। 10 या 20 या 30 जितना चाहिए आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप आइए शॉप पे, आपको दीपिका या अनुष्का शर्मा वाले जैसे चाहिए वैसे मिल जाएगा। इधर मैं लहंगे दिखा दिखा के सच में 1068 से ज्यादा कैलोरीज बर्न कर चुका था। ये देखो निखर के आया, ये देखो गुड न्यूज पिक्चर थी, करीना कपूर हॉस्पिटल पहन गई। लेकिन जितने भी क्लाइंट्स थे, देखो इलेक्शन सीजन भले ही चल रहा हो लेकिन किसी भी लहंगे के साथ गठबंधन करने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। आप समझ नहीं रहे जैसा मैं ही तो समझ रहा हूँ, और कौन समझ रहा मैडम? अरे छोड़ो ना इसको, साइड में हटाओ। ये बताओ शादीशुदा हो या बैचलर हो? मुझे माफ करो मैडम, मैं आंटी को ये बता के निकल गया कि मैं बैचलर नहीं मास्टर्स हूँ, और ये कह के मैंने लहंगा उठाया चांदनी चौक की रोड पे उतर गया। मैडम ये देखो ये वाला देखो मैडम 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 सुनो मैडम। लेकिन जितने लहंगे मैंने बेचे उसके लिए आर्यभट्ट जी ने एक नंबर इन्वेंट किया है, वो नंबर है 0। थक हार के मैंने कहा अरे सिकंदर जल्दी आ, वो अमित ने गोली दी होगी सर दर्द की, पकड़ियो पानी भी दे दे कांच की गिलास में, अबे इसमें घोलूंगा। तो इस तरह खत्म हुआ भैया डेली जॉब एक्सचेंज का day 4। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। रेड FM बजाते रहो। बजाते रहो।